पैसे की किल्लत, पैसे की परेशानी, जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आना। जैसे ही पैसे लेकर के घर पहुंचे, जैसे ही पहली सैलरी आई, महीना खत्म होते ही जैसे ही पैसा मिला नौकरी का, तैसे ही घर जाके पता चला कि घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है या घर में कोई और खर्चा निकल आया जो अनावश्यक था। चंद्रमा खराब है। आज हर किसी की जरूरत बन चुका है पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है उसे पैसा चाहिए, और जिसके पास पैसा है उसे और पैसा चाहिए। और इसी पैसे को पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उतने पैर फैलाइए जितनी चादर होए, लेकिन आज के समय पर लोग पैरों को छोटा नहीं कर रहे अपनी चादर के हिसाब से, चादर को बड़ा करना चाहते हैं। अरे भाई, ज़्यादा चादर को खींचोगे तो चादर फट भी सकती है। मित्रों, ये पैसा आता कहाँ से है, किस ग्रह से ये पैसा मिलता है, और आप कितनी भी मेहनत कर लो, यदि आप सोचते हो कि पैसा मेहनत करने से मिलता है तो मजदूर दिन रात मेहनत करता है। पैसा मेहनत के साथ साथ नसीब से मिलता है, और नसीब कर्मों के द्वारा बनता है, और कर्म वो होते हैं जो हम और आप 24 घंटे करते रहते हैं। पैसे का ताल्लुक, हमारी शिक्षा का ताल्लुक हमारी जन्म कुंडली के चंद्रमा से है। जब भी हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं होगी, तब हमें अपनी एजुकेशन और अपने धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चल और अचल संपत्ति दोनों के लिए जो हमारे बाप दादों की प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी वो भी हमें नसीब नहीं होती, उसका कारण भी चंद्रमा ही है। अब आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा कैसा है, यह आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिएगा। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं JDJ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि शुभ है तो आपको बहुत पैसा अपने जीवन में मिलेगा, आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जिनको समझकर आप ये जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा जब भी कुंडली के अंदर अशुभ होगा, यहां पर एक बात समझने की है कि बृहस्पति बरकत का स्वामी है। बरकत यानी कि धन जो आपने कमाया उसमें से आप कुछ बचत भी कर लें, वो बृहस्पति है, जो आगे के एपिसोड में मैं आपको बृहस्पति के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज हम चंद्रमा पे बात करेंगे, क्योंकि आज हम धन की बात कर रहे हैं, धन आएगा कैसे उस पर बात कर रहे हैं। तो पहले चंद्रमा को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीजें क्लियर होंगी। एक, आपकी एजुकेशन की रुकावट, वो आपके जीवन में क्यों आ रही है, और दूसरी, आपके जीवन में धन की समस्या क्यों आ रही है। आप सबसे पहले जानिए कि चंद्रमा आपको रिजल्ट कैसा दे रहा है, चंद्रमा आपका शुभ है या अशुभ है। इसे जानने के लिए सबसे नजदीक में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी एजुकेशन में रुकावटें तो नहीं आ रही, आपकी जो शिक्षा है वो ब्रेक होकर के तो नहीं हुई, आपकी जो शिक्षा है उस शिक्षा में आपने बहुत सारे स्कूल या कॉलेज चेंज तो नहीं किए, बदलाव तो नहीं किए, या पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से आपकी शिक्षा बीच में रुक गई, फिर आप खुद मेहनत करके आपने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है। यदि ऐसा है तो आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है। दूसरा, यदि आपकी मां ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट उठाए हैं,
तो आपका चंद्रमा खराब है। यदि आपके घर के अंदर आपकी माँ या आपकी दादी या आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी सासू माँ, यदि आप महिला हैं तो आपकी सासू माँ, और यदि आप पुरुष हैं तो आपकी भी सासू माँ, यदि ये शरीर से दुखी हैं, इनको रोग हैं, सबको ना सही अधिकांश को यदि रोग रहते हैं, वो शरीर से परेशान रहती हैं, तो आपका चंद्रमा खराब है। इसके साथ साथ घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि वायव्य कोण, जो कि वायु का कोना कहा जाता है वास्तु के अंदर, यदि आप उधर देखें, उस कोने को देखें, तो वहाँ पर यदि आपको बाथ टॉयलेट मिलता है, स्टोर रूम मिलता है जिसमें आप कवाड़ा भरते हैं। स्टोर रूम दो तरह के होते हैं, एक होता है घर का ज़रूरती सामान रखने वाला स्टोर, और एक स्टोर होता है जिसमें घर का कवाड़ा रखा जाता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, यूजलेस। तो नॉर्थ वेस्ट में यूजलेस वाला आपका स्टोर तो नहीं बना हुआ। वहाँ पर यदि बाथरूम बना हुआ है तो उसकी टंकियाँ, उसके नल लीक तो नहीं होते रहते, या आपके घर के अंदर पानी बहता तो नहीं रहता, एक नल सही कराया दूसरा खराब हो गया, घर में सीलन आ रही है, जगह जगह से पानी लीक होता रहता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपका चंद्रमा खराब है। यदि घर के अंदर आने के बाद आप मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं और घर से बाहर आप ठीक रहते हैं, घर में आते ही आपके सर में दर्द महसूस होने लगता है आपको, तो आपका चंद्रमा वीक है, कमजोर है, खराब है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं चंद्रमा को जानने के, कि ये चंद्रमा हमारा शुभ है या अशुभ है, इसमें से कुछ बातें हमने आपको बताई। यदि आप बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के बाद भी आपको लगता है कि जितना परिश्रम मैंने किया उतना मेरे को रिजल्ट नहीं आया, आपका चंद्रमा खराब है। आप किसी भी काम की शुरुआत तो बड़ी उत्सुकता से करते हैं, बड़ी एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं, आपका चंद्रमा खराब है। यदि आप एक समय पर एक से अधिक कामों में लग जाते हैं और किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते, तो आपका चंद्रमा खराब है। ये बहुत सारे लक्षण हैं चंद्रमा को जांचने की, कि चंद्रमा आपका शुभ है या अशुभ है, और यदि ये लक्षण आपके अंदर नहीं पाए जा रहे तो आपका चंद्रमा शुभ है। पैसे की किल्लत, पैसे की परेशानी, जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आना, जैसे ही पैसे लेकर के घर पहुंचे, जैसे ही पहली सैलरी आई, महीना खत्म होते ही जैसे ही पैसा मिला नौकरी का, तैसे ही घर जाके पता चला कि घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा है या घर में कोई और खर्चा निकल आया जो अनावश्यक था, चंद्रमा खराब है। चंद्रमा को कई ग्रह मिलकर के खराब कर देते हैं, लेकिन ये जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि कौन से ग्रह अपना प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो चंद्रमा तो आपका खराब है, ये तो आपको पता लग ही गया इस वीडियो के जरिए से। अब इस चंद्रमा को सही कैसे किया जाए, उसका क्या उपाय है? बहुत सारे उपाय हैं, गूगल करेंगे बहुत सारे उपाय निकल आएंगे, लेकिन सही और सटीक उपाय क्या है जिसको करें और चंद्रमा रिजल्ट दे? तो सबसे पहला उपाय, यदि इस तरह के लक्षण आप में पाए जा रहे हैं जो बताए गए हैं, तो रात के अंदर दूध पीना बंद कर दीजिए, सुबह में दूध पीजिए, रात में दूध मत पीजिए। रात में दूध अगर पीना है तो कोई भी सोने की चीज़ ले लीजिए, कोई भी सोने की सलाई ले लीजिए, सोने का तार ले लीजिए, और उसको गर्म कीजिए गैस के ऊपर, गैस पर गर्म कीजिए और अपने दूध में उसको बुझा लीजिए और फिर उस दूध को आप पीजिए। इससे आपको बृहस्पति का साथ मिल जाएगा चंद्रमा के साथ, और ऐसे में आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। अगर रात को दूध पीते हैं तो ये उपाय करें, दिन में पीते हैं तब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि रात में पीना बहुत ज़रूरी हो तो इस उपाय के साथ पिए, या उसके अंदर हल्की सी केसर डाल लें तो भी ये उपाय काम करेगा।
अब दूसरा उपाय, चंद्रमा खराब होने पर घर के अंदर पानी की वेस्टेज ना होने दें। अगर पानी घर से लीक हो रहा है, जा रहा है, बह रहा है, तो उसे रोकने का प्रबंध करें और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि वायव्य कोण के अंदर, 7 घोड़ों की तस्वीर, घोड़े सफ़ेद रंग के हों और नीले रंग के पानी पर वह भाग रहे हों, समुद्र में भाग रहे हों, समुद्र के किनारे से नीले रंग का पानी और सफ़ेद रंग के घोड़े, ऐसी 7 घोड़ों वाली तस्वीर आप अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। प्रत्येक सोमवार को मंदिर के अंदर दूध का दान करिए, धार्मिक स्थान पर दूध देकर के आइए। ऐसा लगातार करने से आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। ये उपाय करने से आपका चंद्रमा शुभ होना शुरू हो जाएगा, लंबे समय तक करते रहिएगा। एक और बात, व्यापार स्थान में अगर बरकत नहीं हो रही, यानी धन नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईशान कोण में एक पानी का फव्वारा लगा लीजिए, फाउंटेन लगा लीजिए। चंद्रमा का निरंतर वहाँ प्रभाव पड़ता रहेगा और आपका व्यापार चलने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके घर के अंदर एक वृद्ध महिला या वो महिला जिससे आपका संबंध माँ का है या दादी का है, अगर आपका चंद्रमा खराब है, अशुभ है, तो आप देखिए कि उस महिला के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी दादी के साथ आपके संबंध कैसे हैं। क्या उनकी कही हुई बातें आपको बुरी लग जाती हैं? क्या उनसे आप बात करना नहीं चाहते? और कितना समय हो गया आप उनके कमरे तक में नहीं गए, या कितना वक्त हो गया कि आपके घर आपकी माँ नहीं आई, किसी और भाई के घर रहती है, या वो आपके घर आना नहीं चाहती, या अपने घर उसको बुलाना नहीं चाहते? यदि आप अपनी माँ से दूर रहेंगे, आपकी माँ की सेवा से दूर रहेंगे, तो आप लाख उपाय कर लीजिए, आपका चंद्रमा शुभ नहीं हो सकता। क्योंकि चंद्रमा माँ है, और जब आप अपनी दादी, अपनी सास, अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे रखेंगे, तो आपका चंद्रमा सोते ही ठीक हो जाएगा। प्रतिदिन सुबह जगने के बाद अगर यदि आपकी माँ आपके साथ रहती हैं, तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, रात को थोड़ा समय निकाल करके उनके पैर दबा दीजिए। माँ को कोई कुछ वस्तु चाहिए, इसके लिए रोज पूछ लीजिए और लाकर उनको दे दीजिए, आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। आपकी माँ से चांदी की एक डिब्बी ले लीजिए, उसमें चावल भरवा लीजिए, और चावल भरवा के अपनी माँ से वो प्राप्त करके अपने पास हमेशा रखिए, आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। अगर आप अपनी माँ की सेवा से भाग रहे हो, यदि आप अपनी माँ से भाग रहे हो, उन्हें अपने घर में नहीं बुला सकते, उनसे 2 मिनट बैठकर बात नहीं कर सकते, तो आपका चंद्रमा अशुभ है, खराब है, और आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आपको धन की समस्या बनी रहेंगी, आप कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ माता पिता भी ऐसे होते हैं जो अपनी संतान से अपना मोह खत्म कर देते हैं, यानी कि किसी के अगर 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो कुछ माता पिता का रुझान कुछ 1 बेटे में ज़्यादा हो जाता है, बाकी संतान पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि अपने सभी संतानों से एक समान रूप में व्यवहार करें, अपना व्यवहार अपने बच्चों के लिए ना बदलें, क्योंकि उन बच्चों को आपकी सख्त ज़रूरत है। उनसे प्रेम करें, और बच्चों को भी ये ज़रूरत है कि वे अपने माता पिता से प्रेम करें। तो यदि आप अपनी चंद्रमा को शुभ करना चाहते हैं, तो आप अपनी माँ के करीब रहिए। यदि आपकी पत्नी को लगता है कि आप अपनी माता जी के ज़्यादा करीब जा रहे हैं, तो उनको समझाइए कि ये हमारा प्रारब्ध है, यदि हम अपने चंद्रमा को
सही करना चाहते हैं, हम उन्नति करना चाहते हैं, धन धान्य प्राप्त करना चाहते हैं और अगले जन्म में भी यदि हम खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हैं तो हमें अपने इस जन्म को सुधारना पड़ेगा। पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से इस जन्म के अंदर हम धन से वंचित हैं, पैसे से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। और यदि इस जन्म में भी हम अपनी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे तो अगला जन्म भी खराब कर लेंगे। तो ऐसा कहकर के अपनी पत्नी को भी समझाइए और उनसे भी कहिए कि वह भी माँ का, दादी का, किसी भी बुजुर्ग महिला का ख्याल रखा करें और मंदिर में दूध का दान निरंतर करते रहें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आपका चंद्रमा शुभ हो जाएगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें।